UPSSC जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू का जो 21 जून में को हुआ था इंटरव्यू, उसका कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, तो मैं उन सबको आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि इससे पहले 3-4 दिन अभी इंटरव्यू नहीं हुआ था, विभाग में छुट्टियाँ चल रही थी, तो इसके कारण उन सबका इंटरव्यू बाद में लिया जाएगा। ये 21 जून का इंटरव्यू है, आइए चलिए देखते हैं। देखते हैं उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है। पहला जो क्वेश्चन था वो उत्तर प्रदेश की स्थापना 9 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया है, तो वो है कुल सीट का 1/3% भाग या फिर कुल सीट का 33%। अगला जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्य महिला कौन थी, तो वो सुचेता कृपलानी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री। अगला जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा गया था, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928 किमी वर्ग की। अगला इसमें क्वेश्चन है ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, ग्राम पंचायत की संख्या 59,019 है। मैं एक बात तो ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए लोग हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो अंतिम तक देखें, ताकि मैं जो भी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालूंगा वो आप तो आसानी से उसे देख पाएंगे। ये विज्ञान से क्वेश्चन आया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। जब कोई वस्तु ध्रुव में डूबी जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है तथा वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। मतलब कि जो कोई वस्तु है उसे ध्रुव में डूबी जाती है तब उसके भार में जो कमी आती है वह वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है, इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो था वो भी फिजिक्स से पूछा गया है, किरचॉफ ने कितने नियम दिए हैं, तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं। तो इसमें और भी बढ़ाकर क्वेश्चन पूछा गया, किरचॉफ के पहले नियम को क्या कहा जाता है, किरचॉफ के पहले नियम को आवेश का संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसमें और भी आगे बढ़ा दिया गया क्वेश्चन को कि किरचॉफ का पहला नियम बताइए। ये होता है किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। कोई संधि है, ये कोई संधि है, मैं बनाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से हो गया, कोई संधि हो गया, बीच में ये संधि हो गया, यहाँ पर मिलने वाली समस्त धाराएं, जैसे ये इधर से धारा आ रही है, ये इधर से जा रही है, ये इधर से जा रही है धारा, ये भी इधर से जा रही है और ये संधि पर आ रही है। इसमें कहा क्या गया है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होगा। मतलब जो भी ये संधि पर आ रही है, I1 आ रही है, ये I1 हो गया करंट, ये I2 हो गया, इसी तरह से I1 I2 I3 मान लेते हैं, तो उसके बीच गणितीय योग जो है वो शून्य के बराबर होता है। या किसी संधि पर, इसकी एक और परिभाषा इस तरह से बनती है कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धारा का योग। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 धाराएं आ रही है, एक तो ये धारा है और दूसरा ये धारा है और ये तीसरा ये धारा है, ये समस्त धाराएं, मतलब कि जितनी भी धाराएं आ रही हैं किसी संधि पर तथा जाने वाली समस्त धाराएं, ये 2 धाराएं जो हैं ये जाने वाली धारा है, तो किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं तथा जाने वाली समस्त धाराओं आपस में बराबर होती हैं। ऐसे हम इस तरह भी कर सकते हैं, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये हो गया हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। अगला जो पूछा गया क्वेश्चन था वो ओम का नियम बताइए। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है, जहाँ V बराबर वोल्ट विभवांतर होता है वोल्ट में, वोल्ट इसका मात्रक हो गया है विभवांतर का, और दूसरा I बराबर धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और जहाँ R बराबर प्रतिरोध का मात्रक ओम में होता है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून का इंटरव्यू था, इसलिए ये क्वेश्चन तो संभावित नहीं था कि ये पूछा जाएगा ही, तो इसके बारे में, इसके विषय में जानकारी
लगभग सभी लोग रखे ही थे कि योग दिवस के बारे में पूछा जा सकता है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 21 जून को मनाया जाता था। इससे पहले वाले इंटरव्यू में भी योग दिवस के बारे में पूछा गया था, जो मैंने आप लोगों को बताया। अब इसमें देखिए और भी चीज़ पूछा गया कि योग कितने प्रकार के होते हैं। तो योग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? राजयोग होता है, कर्मयोग होता है, ज्ञान योग होता है और भक्ति योग होता है। इसके डिटेल मैं डाला नहीं हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे अभी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि योग दिवस अब खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन जो भी देखते हैं वो क्या था, 2018 की मिस इंडिया किसे बनाया गया? ये एकदम लेटेस्ट करेंट अफेयर्स पूछा गया था। 2018 की मिस इंडिया किसे बनाया गया? तो वो है अनुकृति बॉस। ये तमिलनाडु की रहने वाली है। अनुकृति बॉस को 2018 की मिस इंडिया बनाया गया और ये तमिलनाडु की रहने वाली। तो ये अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी की होती है? कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? तो वो होती हैं 104 से 104 भी होती हैं, 105 भी होती हैं, अधिकतम 106-107 तक होती हैं कीबोर्ड। तो आपको जो कोई भी बोल देंगे तो वो सही हो जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर के कीबोर्ड के बाएं नीचे कौन सा की होता है? कौन सा की होता है? तो कौन सा की होता है? वो कंट्रोल की होता है। बाएं साइड में सबसे नीचे कॉर्नर पे जो की होता है वो कंट्रोल की होता है। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज हैं, जिसे कंप्यूटर के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। फंक्शन की कितनी होती है? फंक्शन की 12 होती है। अगला एक नोट ये है कि पिछला जो वीडियो मैंने डाला था वो उत्तर प्रदेश योजना से संबंधित, तो उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो मैंने इसमें नहीं लिया है, क्योंकि वो सारे योजना के वीडियो मैंने अलग से बना लिया है। इसमें कहना यह है कि मेरा कि जो भी योजनाएं जो उत्तर प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं वो सब क्वेश्चन तो इंटरव्यू में पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन मैं वो सारे योजनाओं का वीडियो मैंने अलग से बनाकर रखा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें योजनाएं से, क्योंकि योजनाएं से एक दो क्वेश्चन तो हमेशा सारे लड़कों से पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश योजना के बारे में। तो आप पिछला वीडियो देख लेंगे या फिर मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप आसानी से उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ से पूछा गया था। 100 रुपये मूलधन पर 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? यहाँ पर दो दो वर्ष का ब्याज पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, ये है कि यहाँ पर ब्याज मैं गलती से हो गया लिखा गया है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर बताना है। ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये लोग आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, तब तो मैं आंसर आप लोग को बता दूंगा कि कितना आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो 200 का 30% कितना होगा? इसे भी मैंने सॉल्व नहीं किया है, वो आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, तो मैं बता दूंगा कि आंसर सही है या गलत है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अगला पूछा गया था 1 गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये देखिए आपको देख कर बताना होगा कि 1 गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं, चूंकि ये सब गज में कितने होते हैं, 1 फीट में कितने मीटर होते हैं या 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, ये सब आप याद करके रखते रहिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे। अगला जो है, आम में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो आम में जो एसिड पाई जाती है वो स्कर्विक एसिड एसिड पाई जाती है। इसमें और भी जैसे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू या में भी पूछे जाने वाले हैं, तो आप बताएंगे तो मैं उसे अगला अपने और भी वीडियो में बनाकर मैं डाल दिया करूँगा, जिससे आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये सोचना ये है कि मैं ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत सारे छात्रों के कहने पर मैंने बनाया है,
मतलब कि इंटरव्यू कैसे दिया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट लोग पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू कैसे दिया जाए और इंटरव्यू क्रैक करने के क्या क्या तरीके हैं वो बताएं हमें, ताकि इंटरव्यू देने में कोई परेशानी ना हो, इंटरव्यू में कैसे पास हुआ जाए। तो इस पर मैंने एक खास वीडियो तैयार किया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं अपने अगले वीडियो में अपलोड करूँगा, जिससे आप लोग सभी लोग उसे देख सकें और इंटरव्यू को पास करने के तरीके जान सकें। आगे चलिए देखते हैं। तो सोचना है कि यह है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन पाने के लिए ऊपर बेल का आइकन एक होता है, उस पर आप क्लिक करके जरूर बेल का आइकन दबाएं, ताकि आप तक आसानी से मेरे वीडियो पहुँच पाएंगे। धन्यवाद।